तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब भाइयों को, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जो आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए बर्ड पार्क का, एक स्पेशल जगह चंडीगढ़ की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और यार यहाँ पे देखो आप, जो कि सुखना लेक के पास पड़ता है ये बर्ड पार्क। और आज मेरे साथ काफ़ी जो है फ्रेंड्स आने वाले थे बट नहीं आ पाए, सोना भी नहीं आ पाया, उसका जॉब है। तो आज मैं अकेला ही व्लॉग की शुरुआत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दिखाते हैं सुखना लेक के पास आपको ये बर्ड पार्क। देखो चंडीगढ़ बर्ड पार्क जो कि इस लोकेशन पे पड़ता है, यहाँ है अपना सुखना लेक। तो अभी हम इस रोड से अंदर जाने वाले हैं, तो अभी अंदर हम देखेंगे क्या क्या हमें ब्यूटीफुल चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ढूंढ कर आए हैं कि चंडीगढ़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो उसमें से एक बर्ड पार्क की जगह होने वाले। तो आज आइए एक्सप्लोर करते हैं और आज का ब्लॉग हम बनाने वाले हैं। तो देखते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलेगा, क्या टिकट है, कितना प्राइस है, क्या क्या है, तो सब अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं बर्ड पार्क के इस एरिया में। सो यहां से इसकी होगी कुछ एंट्री इस तरफ से, बट ये जो पार्किंग एरिया, ये सारे ही आप पार्किंग फ्री में कर सकते हो। तो गाइज यहां पे जो है टिकटों की लिस्ट आप देख सकते हो। हम लोगों ने वहां से काउंटर से करा लिया टिकट। और भाई ये फोटोग्राफर भी यहां पे, अगर आपने खिंचानी है तो आप खिंचा सकते हैं। तो मैं अभी फाइनली यहाँ से जा रहा हूँ अंदर की तरफ को। आई एम सो एक्साइटेड कि अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये है कुछ बर्ड पार्क की एंट्री यहाँ से। तो ये मेन गेट है यहाँ पर। तो गाइज़ आपको यहाँ पर इन भैया के पास टिकट दिखाना होता है, उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री होती है। तो यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, अकेला घूम रहा हूँ, कभी कभी अकेला भी घूमना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो जो बोर्ड है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर प्रकार के जो बर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, लिखा सेव वाटर, सेव लाइव ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे इस तरह का हर्ड बना रखा है और यहाँ पे भी आप पानी पी सकते हैं, तो बहुत ही ठंडा पानी आता है। और ऐसा लग रहा है कि एक फॉरेस्ट एरिया में आ गया हूँ और अकेला घूम रहा हूँ बस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा है पीछे से, तो अभी यहाँ मोर की आवाज़ भी आ रही है मुझे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचर का, अगर आप नेचर को महसूस करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना हुआ है, इसमें भी मुझे लग रहा है मछली वगैरह कुछ तो होंगी अंदर। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डक के बारे में कि यहाँ पे, इसमें शायद वो देखो सामने की तरफ, अगर मैं आपको जूम करके देखूँ, पहले आपको ये देख लूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वो दिख रहा है इन्फॉर्मेशन कौन सी डक है। और वो सामने, बिल्कुल सामने देखो, जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं फिर से, और ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा। तो अभी गर्मी के कारण ये थोड़ा अपने एरिया में है अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से छोटे छोटे गार्डन भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। वो तो अंदर पूरा गार्डन ही है ये, तो पूरा तो मैं अंदर जाऊँगा नहीं, धूप हो रही है। तो अभी यहाँ से आगे आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए। ये भी देखो, इन्होंने वेस्ट मटेरियल से, टायर से ना यहाँ पर डक बना रखा है इतने मस्त। तो गाइज़ अभी यहाँ से धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अभी रास्ता ख़त्म नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़े पीछे तक एरिया में, इसके पीछे भी ऑपोजिट। तो अभी मैं चल रहा हूँ बस। और यहाँ पे वी ग्रो, आई थिंक ये जो पौधे लगे ना, इनके नाम है ये। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्लोज से, ये देखो कुछ इस तरीके की जिस पर पेंटिंग की हुई है यहाँ पर। और ये आगे तक, वहाँ तक आगे जाके एंड है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तक ये सब ऐसे ही पेंटिंग बना रखी नेचर की, जिसमें आपको एनिमल्स वगैरह शो किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेस है यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आगे जा रहे हैं सीधा। तो गाइज मेन जो एंट्री है मुझे लगता है यहाँ से, ये देखो। तो अभी यहाँ से सीधा हम जाने वाले हैं,
इस तरफ से एग्जिट है, पर ये जो आप देख रहे हैं साइन चंडीगढ़ बर्ड पार्क, तो ये है यहाँ से एंट्री है मेन। तो जब आए आप इस एंट्री से ही आए, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कितने कितने मीटर पे क्या है, कौन सी चीज़ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं एंट्री कर चुका हूँ। ये देखो छोटे छोटे भी इस मटेरियल के इन्होंने यहाँ बर्ड्स बना रखे हैं, देखो इस तरीके से सारे बर्ड्स बना रखे हैं यहाँ पे। तो गाइज आप मेरे पीछे कोयल की आवाज़ सुन सकते होंगे, और चिड़ियों की बर्ड्स की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है आपने देखा होगा, जो गांव में सुबह सुबह जब सुबह होती है 4 बजते, तो वैसे पक्षियों की आवाज़ आती है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ हमें सुनने को मिलती है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इनके अंदर सब वही है, मुझे अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखो वहाँ पे बैठी है बर्ड, वो देखो बिल्कुल ऊपर, तो बहुत छोटे छोटे बर्ड्स हैं इसके अंदर। ये तो यहाँ पे शीशा है, इस कारण से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि दिख पाए, तो इसके अंदर वो सारे हैं। तो गाइज़ मेरा आईफोन जो है बीच बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो जिस कारण से वो वीडियो में बनने से पहले कूल डाउन करने कह रहा, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें भी देखो कितने सारे बर्ड्स हैं यार अंदर, ये आप देख सकते हो। तो इसमें भी पैरट है छोटे छोटे, कोशिश करूँगा कि जल्दी से आपको दिखा सकूँ। वो देखो सामने यार, वो देखो अगर आपको देख पा रहे हो यहाँ से, तो लास्ट से आपको देख रहा तो अंदर बैठे। तो ये देखो भाई लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी में यार व्लॉग बनाने निकला हूँ मैं, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए इसमें, क्योंकि इतनी धूप में व्लॉग बनाना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ इन्होंने यहाँ मैंशन किया है चंडीगढ़ पार्क, और यहाँ पर भी आई थिंक कुछ है इसमें। इसमें हम चलते हैं, पहले एंट्री करते हैं, तो यार यहाँ से देखते हैं अभी क्या है अंदर, ये एंट्री है या एग्ज़िट है। तो गाइज़ अभी हम इस एरिया में एंट्री कर रहे हैं, तो अंदर मुझे लग रहा है वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, शायद वाटरफॉल ना हो। तो जब यहाँ से जब आए तो बड़े ध्यान से आए, बिकॉज़ पीछे अगर कोई भी है तो उसको चोट लग सकती है। और यहाँ से फिर से आपको इस तरीके से, ओहो बहुत ही, और नीचे देखिए यहाँ से बिल्कुल पानी शुरू हो जाता है, क्या बात है यार। तो यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर छोटा सा वाटरफॉल, तो यहाँ से कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की। तो देखो यार क्या ही खूबसूरत है यहाँ पे। जाती है अलग अलग तरीके के डक, बहुत ही सुंदर। तो यार देखो बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने वाटरफॉल यहाँ पे बनाया है, अरे क्या सुंदर लग रहे हैं यार बर्ड्स। तो गाइज इन्होंने फिलहाल इसको चारों तरफ से ऐसे कवर किया हुआ है, ताकि बर्ड्स जो हैं या डक वगैरह जो भी इसमें है वो बाहर न जा पाएँ, और उनके लिए बहुत ही अच्छे इन्होंने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल भी बना रखा है। मैंने आपको दिखा दिया जूम करके, और देखो यार कितनी ब्यूटीफुल ब्लैक कलर के डक हैं, वहाँ पे वाइट भी है एक वो पीछे। तो गाइस इस वाले सेक्शन के बाद, ब्यूटीफुल सेक्शन के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को, और यहाँ से अभी आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा एरिया है यहाँ से। ओ हो, एक और ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, और भाई साहब मस्त मस्त मस्त, बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे वाटरफॉल फिर से। तो भाई देखो यार इस गर्मियों में कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पे ऐसी जगह को फील करे, और भाई मतलब मज़े ही आ गए लिटरली बता रहा हूँ। कि ठंडा ठंडा पानी, और ऊपर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे पोर्शन बनाया हुआ है सारा, ऊपर से देखो कवर कर रखा है इसको, यहाँ से सारा कवर किया। और भाई ये जो चीज़ है ना भाई, इसको फील करना चाहिए, इसको फील नहीं किया तो फिर कुछ फील नहीं किया, बेहतरीन है भाई, मज़ा आ गया। यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर विज़िट करके। तो मुझे ना गाइज़ एक बात याद आ गई, वो रील में ना मैंने सुना था कि जिस जगह लोग घूमने आते हैं ना, उस जगह पे मेरा घर है। तो सच में मुझे गर्व है कि यार मैं चंडीगढ़ के अंदर रहता हूँ, इतने ब्यूटीफुल प्लेस के अंदर रहता हूँ, जहाँ पे हर चीज़ जो है घूमने के लिए है, और इतनी ब्यूटीफुल सी है,
पे आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी डक यहाँ पे घूम रही है अकेली और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो थोड़ा और जूम करता हूँ। अरे अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे साथ वाले कहाँ हैं? तो लग रहा छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे भी कुछ इन्होंने इस तरीके का बना रखा है। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, यहाँ पे भी यही वाली डक ब्लैक कलर की, जो दोनों अच्छी दोस्त हैं, पक्की दोस्त हैं, इसलिए साथ में घूम रहे हैं। जैसे जैसे गाइस क्लासमेट होते हैं ना, एक साथ चलते हैं वैसे। तो अभी यार ये पूरा पोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रखा है। और ऊपर देखो यार, मतलब धूप या ज़्यादा ना लगे इसके लिए भी है, प्लस इन्होंने पूरा कवर कर रखा है यार। तो मतलब एक पूरी फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया वाला है, वो वाली फीलिंग आ रही है भाई अंदर। बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। वैसे तो जो हमारे इंडिया में पेड़ कटते जा रहे हैं, और शायद इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी यहाँ पे आके वो फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई, नहीं मतलब फॉरेस्ट एरिया में लिटरली हम आ गए हैं। तो यहाँ पे भी एक एरिया इस तरीके का आप देख सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे भी डक्स वगैरह है, गर्मी में पानी का मज़ा ले रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी एक मस्त जगह, ये भी दूसरा वाटरफॉल है यहाँ पे, आपको मिल जाता है। तो यार ये देखो, अकेले इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने गाइस इनके यहाँ पे छोटे छोटे हट्स भी बना रखे हैं, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। इनके रहने के लिए इन्होंने देखो यहाँ पे छोटे छोटे से हाउस बना रखे हैं। तो गाइस ये था हमारा दूसरा वाटरफॉल। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, नहीं और क्योंकि मुझे तो खुद यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है कि जैसे जैसे मैं अगला स्टेप पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि यहाँ पे छाया है इस तरफ को। और अभी आ गया, अच्छा ये वही वाटरफॉल है, मुझे लगा तीसरा वाटरफॉल है। तो ये इस वाटरफॉल के हम बैक साइड में आ गए, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं सीधा हम आगे की तरफ को। अभी एक और नई चीज़ यहाँ पर आई है गाइज, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है फिश वाला एरिया। ये देखो ये कांच का बना रखा सारा, ये कांच है। नीचे इसके देखो आप, ग्रीन ग्रास आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे इसमें है फिश, अगर मैं आपको फिश दिखाता हूँ थोड़ा सा, बस मेरा फ़ोन ना गिरे। ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो दिख रही है आपको फ़िश, इसके अंदर फिश है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, होगी इस तरफ से चलेगी उधर चलेगी। तो ये फ़िश के लिए एरिया बना रखा है छोटा सा इन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल सा। इधर आई थिंक मुझे मिल सकती है, हाँ ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो दिख रही हो गई होगा। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा इन्होंने बना रखा गाइस। अब यहाँ से मेरी हो रही है एग्ज़िट, ऊपर लिखा है आउट, यहाँ से हो रही है एग्ज़िट। बड़े ही ध्यान से निकले, कई बार जब ज़्यादा भीड़ होती है तो आप जब इसको क्रॉस करते हैं तो पीछे वालों को ही लगने का खतरा होता है। तो अभी मैं बड़ी केयरफुल यहाँ से निकल चुका हूँ। तो अभी फिर से जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, उसी तरफ से मैं बाहर जा रहा हूँ। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस रहा, अलग एक्सपीरियंस रहा। अंदर की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा, देखो बाहर से अरे दिखाता हूँ, अंदर से आया हूँ मैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। और मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, क्योंकि मैं ना थक गया। फ़ोन भी जब ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो वीडियो अपने आप ही बंद हो रही है, क्योंकि आईफोन का ये होता है, जब वो ज़्यादा हॉट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है, अपने आप ही वो वीडियो उसकी बंद हो जाती है। शुक्र आपने बोतल ले आया, नहीं तो आज तो गर्मी बुरा हाल हो जाता। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, बट अभी यहाँ से और अभी वीडियो बाकी है। यहाँ से अभी उस तरफ को हमें जाना है, क्योंकि इसके एग्ज़िट भी है, तो पूरा आपको दिखाएंगे। तो एक ये एरिया भी आ गया जहाँ पे बर्ड्स के बारे में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको, और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप सुंदर से अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे ये पेंटाग्राम बना है, इसमें बर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसका किसी ने यहाँ से उखाड़ दिया, बट ये इसमें बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, पर इसमें जा चुकी है, मिट गया एक धूप से। तो गाइज़ अभी फिर से आ गया हूँ मैं एक दूसरे वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सेम एंट्री जैसे पीछे थी। तो यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ को। एक और एंट्री यार, तो जंजीर वाली, पता नहीं कितनी एंट्री है, कसम से इसने दुखी कर दिया। फिर से क्रॉस किया, 11-12 तो यहाँ टोटल है ही। फिर से क्रॉस किया, ऐसा लग रहा भाई जुरासी पार्क में आ गए। ओ भाई, तो यहाँ पे भी आपको ब्यूटीफुल से बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे गाइस, देख सकते हो आप। यहाँ पे इनके छोटे छोटे हाउस बना रखे हैं, तो इसमें आराम कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे भी ऊपर देखो, इन्होंने इस तरह ग्रीन कलर का, ओ हो,
बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैरट। तो इसके अंदर भी पेड़ पे देखो आप, अंदर वहाँ घर बने हुए हैं बर्ड्स के, वो देखो है ना। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रिज आपको दिखता है, मिलता है यहाँ पे। उफ, और यहाँ पे भी छोटे छोटे ब्यूटीफुल से हार्ट्स बना रखे हैं ये पानी, क्योंकि बर्ड्स को तो ऐसे ही इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना जंगल वाला, तो इन्होंने वैसे ही कुछ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो चंडीगढ़ की ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह मुझे लगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पे देखो, ये देखो पैरट की आवाज़ें आ रही है। तो यहाँ फिर से देखो ब्यूटीफुल सा हर्ट बना हुआ है, और वहाँ एक पैरट मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं आएगा नहीं आएगा इससे। तो ये आ गया एक जंगल से मैं, सुनसान से मैं। बहुत शांति है भाई यहाँ पे, शांति बहुत ज़्यादा। नीचे कौन है? ये पेड़ों की आवाज़ है, पैरट कहाँ है? तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो सफाई होती रहती है। ये देखो, ये देखो गया ना बर्ड उड़ के, वो तो सबसे बड़े वाला पैरेट है, कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है, उड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। तो बहुत शांति है भाई यहाँ पे, शांति बहुत। तो गाइज ये वो एरिया है यहाँ से जिसमें 100 रुपये में बर्ड आप हाथ में बिठा सकते हो। तो इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके, ये देखो सबसे बड़ा तोता अंदर ही है। तो यहाँ आप इनको हाथ पे बिठा सकते हो। तो अगर आपने हाथ पे बिठाना है तो उसके 100 रुपये अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो वो इस एरिया में होगा गाइज, उसमें बड़े तोते हैं, बड़े पैरेट हैं। तो यहाँ से हम हो रहे हैं आउट। तो हम आ गए इस वाले सेक्शन से भी बाहर। इसमें सबसे बड़ा पैरेट जो है, 3 पैरेट वो अंदर है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने हाथ पे बिठा के फ़ोटो खिंचानी है तो आपके 100 रुपये अलग से लगेंगे। और वो मेरे ख्याल से उनके पैरेट का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर उसके, और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे छोटा सा इन्होंने गार्डन टाइप का बना रखा गाइज। तो यहाँ पे अगर आप थक जाएँ वहाँ पे अंदर घूम के सारा एरिया, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। ये आई थिंक वो शॉप थी, अभी लॉक हो चुकी है, अभी बंद पड़ी है। आई डोंट नो, शायद खाने की शॉप होगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़िट हम यहाँ से करने वाले हैं। ये छोटा सा गार्डन है, और थैंक्स फॉर विज़िट यहीं पर ख़त्म होता है। उसे सीधा बाहर की तरफ जाने वाले गाइज। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने सारा कवर कर लिया, जो मेन मेन जगह थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो अगर आप चंडीगढ़ के बाहर से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ISBT 17 की या 43 की बस पकड़ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से कहीं से भी हैं। और अगर आप चंडीगढ़ के अंदर हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुखना लेक बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल पास में पड़ता है। तो बहुत मुझे मज़ा आया, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया, और मैं चाहता था कि कोई ना कोई फ्रेंड भी साथ में आए और सोना भी साथ में आए। बट नेक्स्ट टाइम सोना भी साथ में आएगी, बिकॉज़ अभी वो जॉब पे बिजी थे, क्योंकि मेरी वेकेशन चल रही है, इसलिए मुझे तो घूमना था, इसलिए मैं आ गया हूँ अकेले। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये जगह आपको कितनी खूबसूरत लगी, तो कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। और गाइस एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, और तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है जब वेदर ठीक होता है, बट अभी चंडीगढ़ में कुछ दिनों तक 42-44 रहने वाला है, तो इस वजह से लोग बाहर कम निकल रहे हैं। तो इसलिए आज ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली है। बट यस, आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। और अंदर जो सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी है ना भाई, वो थी वाटरफॉल। हो एक वाटरफॉल मतलब ऐसा वाला जैसे जिसमें लग रहा था बस डक की तरह हम इसमें वहाँ पे नहाएं, थोड़ा इंजॉय करें। तो मैंने तभी कहा ना कि जहाँ गर्मी में वाटरफॉल दिखता है तो मज़े आ जाता है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।